अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह भाई, आज हम लोग दो दरिया आए हुए थे और ये फराज भाई और फैजान आए हुए थे। पानी लगने के बाद है ना, उठाया नहीं जाएगा। गोले वगैरह फेंक रहे थे, ये क्या चीज़ थी, किस चीज़ के थे? ये जिस तरह से आप मीठे पानी में चरी करते हैं, ये सेम बिल्कुल उसी तरीके से है और ये म्यूलेट के लिए करना पड़ता है, जिससे म्यूलेट नीचे पट्टी ऊपर बैठती है। और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिस तरह से रोटी के टुकड़े होते हैं और कुछ फीड्स होती हैं, जो क्योंकि ये टाइप सीक्रेट है, हमारे उस्ताद ने हमें बताया है और आपने देखा जिस तरीके से हमने बना के गोले फेंके, इसे म्यूलेट जो है वो नीचे पट्टी ऊपर बैठेगी और दीगर मछलियाँ भी, जिस तरह गंदी है चाया और कोई वगैरह, सब सारे फिशेज जो है वो नीचे पट्टी ऊपर बैठ जाती है। अच्छा, इसके लिए जो आप चारा यूज़ करते हैं वो भी कोई स्पेशल होता है? बिल्कुल, वो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। वो फाइन आटा है और उसके अंदर मखसूस तेल मिलाया जाता है, जो सीक्रेट है, लेकिन मैं आपको यहाँ शेयर करूँगा। मखसूस ऑयल? मखसूस ऑयल। अच्छा अच्छा, चलिए आप दिखाएं प्लीज़ हमें। ये नॉर्मल फाइन आटा है और इसके अंदर आप ये देख लें, थोड़ा सा लुब्रिकेंट लग रहा है, इसमें जो चिकनाहट है ये पट्टन का ऑयल है। बल्कि मैं आपको ऐसे दिखा दूं, ये ऑयल दिख रहा है आपको, ये पट्टन का ऑयल इसमें मिलाया जाता है, जिसकी खुशबू बहुत तेज होती है और जिसकी वजह से मछली जो है इसको बाइट करती है। ये फराज भाई हम लोग के लिए, सबके लिए चाय लेकर आए, जज़ाकअल्लाह फराज भाई। जबरदस्त भाई। तो भाई ये फराज भाई की चाय आ गई है, ठीक है, देखते हैं इसको। क्या बात है यार, मानी भाई, बेहतरीन चाय है, बहुत आला है, जज़ाकअल्लाह फराज भाई। ये किसके लिए बना रहे? ये रोहन के लिए बना रहे। अरे वाह, रोहन मछली पकड़नी है? अगर रोहन ने मछली पकड़ ली तो एक मछली पे 100 रुपीस। वाह रोहन, अब तो मछली पकड़नी है यार। और ये एंगलर रोहन इस वक्त फिशिंग कर रहे हैं और इनको चैलेंज मिला है कि एक मछली पकड़ने पर 100 रुपीस ये बाबा की तरफ से मिलेंगे। तो अब देखते हैं कितने कामयाब होते हैं। छोटी छोटी जो मछलियाँ हैं ना, जैसे कुई वगैरह, ये सारी ऊपर आम, और अब ऊपर आम किस तरह से रख लेंगे?
इसको इसमें बुझ बांध के। अच्छा, मगर यहाँ है ना फ्रूट करेगा ये, क्योंकि ये उतारो चढ़ाओ है यहाँ, मतलब नहीं होगा यहाँ, एक जगह नहीं रुकते। वरना अमूमन बोलते हैं ना कि जैसे बच्चे थोड़ा एक आप ऊपर उठाएं तो फिर मच्छी अच्छी लगती है या वो सही लगती है, यहाँ पे नहीं है सर, ओपन में यहाँ नहीं काम करेगा। ये तो फ्राई के काबिल है ना, चले निकाल लें आप बोल रहे हैं तो। नानी भाई बताएं किसका आया वो बफून, जिस तरीके से जिस खामोशी से बात हुई और जो जो शक्ल बनी हुई है ना सब फराज भाई, टेंशन जो फराज भाई के ऊपर है, एक बात दो चीजें एक साथ करनी है, एक तो भाभी को ठंडा भी करना है, इनको गुस्सा भी नहीं, और टोपी भी ऐसी रहनी है कि उनको शक भी ना हो कि वो झूठ बोल। अब पता नहीं है हमारे साथ फराज भाई घर जाते हैं या ये अपने घर जाते हैं, अगर ये इन्होंने बोला आ गया जरूरी काम है बस वो समझ जाए। सही है, संजीदगी देखे हम खाली कर बेचारे इतने संजीदा हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर खैर जी जी, मेरे बाप का मैसेज ही जी 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 जी, कोई बात नहीं, मार नहीं पड़ेगी हम समझा देंगे, कोई बात नहीं। तो इन लोग ने मछली तो बहुत सारी पकड़ ली है, आपको मछली दिखाता हूँ, ये देखिए अच्छी खासी मछली है। और अब औरंगजेब भाई भी हैं यहाँ पर साथ, तो अब प्लान ये है कि घर जाते हैं और इस मछली को फराज में क्या क्या करना है, बारबेक्यू और फ्राई दोनों करना है, वेरी गुड। तो बस अब ये घर चलते हैं, इसमें मसाला भी लगाएंगे वो भी दिखाएंगे और पकाएंगे वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो घर पहुँच के आप लोग से बात होती है फिर।